श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध में ये प्रसंग है। कर्दम मुनि और देवहूति माता का प्रसंग, और इस प्रसंग में एक आदर्श गृहस्थ जीवन का वर्णन किया गया है। आदर्श गृहस्थ क्या होता है, आदर्श गृहस्थ जीवन क्या होता है, और चाहे गृहस्थ आश्रम हो या ब्रह्मचारी आश्रम या वानप्रस्थ या संन्यास, हर आश्रम का एकमात्र उद्देश्य है कि किस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर हृदय के अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति प्रकट किया जाए और अंततः इस विकट दुखमय संसार समुद्र से छुटकारा प्राप्त करके और भगवान के परम धाम गोलोक को प्राप्त किया जाए। इस भक्ति योग का उद्देश्य है और ये मानव जीवन का भी यही उद्देश्य है। सवै पुंसाम परो धर्मो यथा भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या है, धर्म का अर्थ है ड्यूटी। कई प्रकार की ड्यूटीज हैं लेकिन सारी ड्यूटीज को करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण जो ड्यूटी है, जिसको संस्कृत में हम धर्म कहते हैं और उसी को इंग्लिश में ड्यूटी कहा जाता है, कर्तव्य। कर्तव्य सबसे बड़ा परम कर्तव्य है कि किस प्रकार से हम प्रेम भक्ति विकसित करके भगवान के धाम को प्रस्थान करें और वहाँ पर नित्य सच्चिदानंद जीवन का आनंद लें, जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, सारी समस्याओं का जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो वैदिक शास्त्र देते हैं। अज्ञानी व्यक्ति टेम्पररी सॉल्यूशंस के पीछे भागता है लेकिन जो बुद्धिमान है वो परमानेंट सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहता है, और परमानेंट सॉल्यूशन है प्रेम, कृष्ण प्रेम, भगवान के धाम जाना, भगवान के साथ रहना, भगवान के साथ रहना। भगवान के साथ रहेंगे तो कभी कष्ट हमें स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन अगर कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे निकटे आसी छे माया झपटिया धरे। अगर कृष्ण को भूल कर जीव कृष्ण से अलग होकर अगर भोग वांछा, वांछा का मतलब है भोगने की इच्छा, अगर कृष्ण को साइड करके भोगने की इच्छा करेगा जीव तो क्या होगा, माया उसको झपट लेगी, झपट के पकड़ती है। झपट के पकड़ने का अर्थ चाहे आप देखेंगे बिल्ली जैसे पकड़ती है चूहे को, बिल्ली चूहे को कैसे पकड़ती है, झपट के पकड़ती है, झपट्टा मारती है। उसी तरह से माया जीव को झपट्टा मारेगी। और आज मानव सभ्यता भगवान को भूलती जा रही है और भगवान के आदेशों की, भगवान के द्वारा बताए गए कर्तव्यों की, भगवान के द्वारा बताए गए
सिद्धांतों की बड़े ही बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर वायलेशन हैं, तोड़ रही है। मांसाहार, नशापान, अवैध संबंध और नाना प्रकार के झूठ, कपट, अपराध, भ्रष्ट आचार समाज में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसको रोकने का उपाय क्या है? दो ही उपाय है इसको रोकने का। या तो लोगों को शिक्षित किया जाए या दंडित किया जाए, दो ही उपाय है। इसलिए दो डिपार्टमेंट्स हैं, पनिशमेंट डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट। जैसे भारत की सरकार है उसमें दो डिपार्टमेंट हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एक होम मिनिस्ट्री, दो मिनिस्ट्री है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डील्स विथ एजुकेशन पार्ट, और जब सब शिक्षित हो जाएंगे तो फिर जब सब शिक्षित हैं तो होम मिनिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। अगर हर व्यक्ति अच्छे से शिक्षित हो जाए और अपने कर्तव्यों को जिस तरह से सरकार चाहती है, जिस तरह से धर्मशास्त्र चाहते हैं, सिद्धांत के अनुसार आचरण करने लगे हर इंसान, तो होम मिनिस्ट्री की ज़रूरत क्या है, पुलिस की आवश्यकता नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दुष्ट जीवात्मा आदेशों के अनुसार कार्य नहीं करना चाहता। इसलिए ऐसे जीवात्मा कहते कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते लात के भूत बात से नहीं मानते, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे दुष्ट जीवात्माएं। न पपदन्ते माम मूढ़ा, भगवान उनको मूढ़ा, मूढ़ा मतलब फूल्स, आसुरी भाव माश्रित मायापुरित ज्ञानम, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हरण कर लिया गया है, वो भगवान की शरण में नहीं आते। मतलब भगवान के आदेश की अवहेलना करना ही उनका दिनचर्या है, सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल अगर देखा जाए तो क्या करते क्या है, वो एक एक करके शाम तक सोने से पहले एक एक नियमों को तोड़ते जाते हैं। और क्या सोचते हैं, कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा, कोई क्या कर लेगा मेरा, मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूँ, मेरा लाइफ है। तो जब इस प्रकार से अधर्म बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार के कार्यों को रोके। इसलिए राजा की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर राजा भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करे, आज देखिए सरकार इन चीज़ों को नहीं रोक पा रही है, सरकार नहीं रोक पा रही है, दुष्टों को दंड नहीं मिल पा रहा है आज के समय में, पापियों को दंड नहीं मिल पा रहा है, बल्कि उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो फिर भगवान हमारे ऊपर छोड़ देंगे, तुम लोग सुधार लो, अपने से सुधार लो। लेकिन अगर तुम लोग नहीं सुधार पाओगे, जब सिचुएशन मैं अपने हाथ में लूँगा, तो बहुत बड़ा डेंजर होगा तुम सबके लिए। तो इसलिए भगवान फिर थर्ड डिग्री अप्लाई करते हैं, और थर्ड डिग्री जब अप्लाई करते हैं पनिशमेंट, इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट पनिशमेंट डिपार्टमेंट। तो एजुकेशन अगर टीचर देता है और जब स्टूडेंट बहस करता है टीचर से, तो क्या करेगा टीचर, आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा डिसिप्लिन डिपार्टमेंट को। टीचर तो लड़ेगा नहीं, शिक्षक का काम नहीं है लड़ना, लड़ना
काम है मिलिट्री का या पुलिस का। तो इसलिए भगवान ने संतों को पहले भेजा इस संसार में एजुकेशन देने के लिए, जाओ तुम लोग सिखाओ सबको, समझाओ, मेरा गुस्सा इससे पहले बढ़ जाए समझाओ जाकर सबको कि सुधर जाएं लोग, और नहीं सुधरेंगे तो फिर मेरे पास और भी तरीके हैं सुधारने के। इसलिए पहले भगवान संतों को भेजते हैं और संत जो हैं वो समाज में जाते हैं, घर घर जाते हैं, अलग अलग स्थानों पे जाते हैं, लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ गिव अप योर ऑल नॉनसेंस सिनफुल एक्टिविटी, सारे पाप छोड़ दो, मत करो ये गलत काम, मत करो पाप, इससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं है, बल्कि तुम पाप करने के कारण नरक में जाओगे मृत्यु के बाद और नाना प्रकार के कष्टों से घिर जाओगे तुम। तुम पाप करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, मत करो ऐसा। तुम ये मत सोचो कि तुम पाप करके बच जाओगे, तुम ताकतवर हो, तुम बहुत बड़े नेता हो, तुम बहुत बड़े पैसे वाले इंसान हो, ये मत सोचो। पाप चाहे कोई भी करे, अगर सरकार नहीं दंड देगी तो भगवान की सरकार है वो दंड देगी, सरकार के ऊपर सरकार है। इसलिए संत महात्मा बड़े विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं सामान्य जनमानस से कि भगवान के आदेश का पालन करो, ईश्वर के क्रोध से डरो। लेकिन मानव सभ्यता जब नास्तिक हो जाती है और भगवान के प्रकोप से भगवान के आदेश का उल्लंघन करती है, भगवान का भय जब खत्म हो जाता है सामान्य जनमानस में, तो उस भय को पुनः स्थापित करने के लिए फिर भगवान माया के द्वारा रचित नाना प्रकार के विध्वंसात्मक एक्शन लेते हैं, और आप सब समझ ही रहे हैं कि कौन सा एक्शन लिया जा रहा है। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि लोग डरें, उनके हृदय में भय हो। क्यों? क्योंकि बिना भय के डिसिप्लिन नहीं हो सकता, बिना भय के डिसिप्लिन कहाँ से। तो इसलिए ये भगवान की कृपा है, ये मानव समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए। तो क्या सबसे बड़ा धर्म क्या है? भक्ति। तो जब भी भगवान को जीव भूलता है, कृष्ण भूलिया जीव भगवान से करे, निकट आशीष मैं झपटिया धरे, माया उसको डराती है। सरल एग्जाम्पल है, आप कई सारे वीडियोज आजकल वायरल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अभी लॉकडाउन है, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन कर दिया गया है, सरकार ने किया है लॉकडाउन, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल पुलिस लोग हैं जो इस लॉकडाउन के अंदर भी रोड पे घूम रहे हैं। मूर्खों की कमी नहीं है संसार में। भगवान की बात तो छोड़िए, भगवान नहीं है, नास्तिक हो तुम, लेकिन सरकार तो है, एग्जिस्ट करता है, उस पर तो विश्वास है, उस पर भी डाउट है कि सरकार भी है, पुलिस भी है। दिस इज हाइट ऑफ इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। लेकिन अभी देखिए तो क्या कर किया सरकार ने, आदेश दिया, जहां देखो पीटो अब लाठी से। तो जो भी आदेश की अवहेलना करेगा उसको धड़ाम धड़ाम लाठी दंड से पिटाया जाएगा, पीटा जा रहा है कि नहीं। कहते कि इंडिया पिटेगा तो इंडिया सीखेगा, स्लोगन आया है नया अभी कि इंडिया पिटेगा तो इंडिया
सीखेगा। और हाथ में लाश उठाने से अच्छा है कि हाथ में डंडा उठाया जाए, और डंडा उठाने से उठा लेंगे, पुलिस अगर डंडा उठा लेगी तो पुलिस लाश उठाने से बच जाएगी, बेहतर है डंडा उठाया जाए। तो उसी तरह से भगवान का डंडा जब उठता है तो इस प्रकार के वायरस से जाते हैं, और एक दो नहीं और आएंगे, इंस्टॉलमेंट्स में पे करना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति के सारे, जब तक इंसान का पागलपन दूर नहीं हो जाता और भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करता, हर व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के कष्ट आते रहेंगे। तो इसलिए आज या कल इंसान को समझना पड़ेगा, और जो श्रीमद् भागवत शास्त्र आदि शास्त्रों में जो सिद्धांत भगवान ने प्रतिपादित किए हैं हम सबके लिए, उन सिद्धांतों के ऊपर अपने जीवन को आधारित करना पड़ेगा, उन सिद्धांतों को जीवन में अपनाना पड़ेगा। इसलिए भगवान मैसेज दे रहे हैं, और भगवान के चरण में समर्पण करना और उनकी भक्ति करना, उनके आदेश का पालन करना, इसी में जीवात्मा का कल्याण है, इसी में सुख है, इसी में आनंद है। जिस आनंद को व्यक्ति ढूंढ रहा है सिगरेट में, शराब में, ड्रग्स में, अरे मूर्खों, उसमें वो आनंद है ही नहीं। अगर सिगरेट में आनंद होता तो इतने लोग आज मरते नहीं, आज सिगरेट बैन करने की बात नहीं आती। आश्चर्य है कि पढ़े लिखे लोग भी, ऐसा क्या है कि जानते हुए भी उस जहर को पी रहे हैं। सब जानते हैं कि यह जहर है, फिर भी पी रहे हैं, क्यों? पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि वास्तव में पढ़े लिखे नहीं है। जो पढ़ा लिखा होता है वो कभी भी अज्ञानता का कार्य नहीं करता। तो इसलिए मूर्खों को कहते हैं कि मूर्खों को समझाना बड़ा कठिन हो जाता है। कई बार तो मूर्ख इतने ज्यादा मूर्ख हैं कि उनको अगर समझाया जाए तो आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, क्रोध करते हैं, पीट भी देंगे भक्तों को। इसलिए भक्त लोग काफी सोच समझ के बोलते हैं। उनको समझाया जाए कि आप मांस छोड़ दो, आप गलत विवाहेतर संबंध बनाना छोड़ो, ये पाप है, ये आप नशा करना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, तो गुस्सा हो जाते हैं, बहस करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को फिर भगवान संभालते हैं। तो भक्ति जो है, मानव जीवन मिला है भक्ति करने के लिए। था भक्ति रदोक्ष जी सभी पुंसाम परो धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? भक्ति, भगवान की भक्ति। और कैसी भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता भक्ति। अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति करने से जीव जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम जाता है।